हाय गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स आज हम बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है गोवा में प्लॉटेड डेवलपमेंट अलोंग विद इंडिपेंडेंट विलास. सो so, ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ये मान के चलिए कि आपने अगर पंद्रह साल पहले या 18 साल पहले गुड़गांव में इन्वेस्ट किया होता उन प्राइज पे जिन पे आज गोवा में आपको लैंड मिलता है विला मिलता है फुली फर्निश्ड सो so, मैं बात करने वाला हूँ यू इंफ्रा के बारे में यू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ डेवलपर विच इज़ कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट इन अराउंड 500 हंड्रेड एकर्स इन गोवा सो दिस प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन गोवा एंड महाराष्ट्र बॉर्डर मोपा एयरपोर्ट से ये जो साइट है दिस इज़ अराउंड 30 मिनट्स 25 फाइव टू थर्टी मिनट्स एग्जैक्टली और इस साइट से अगर हम नियरेस्ट बीच की बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स विच इज़ अरम्बोल एंड मोरचिम सो लोकेशन बहुत अच्छी है इसके आस पास आपको Uh, काफ़ी हैबिटेशन भी देखने को मिलता है बैंग ऑन एन एच ये आपको साइट मिलती है सो so, अभी दे आर लॉन्चिंग देयर फेज टू जिसमें 500 एकर्स में से दे आर लॉन्चिंग 50 एकर्स 50 एकर्स में दे आर कमिंग अप विद विला प्लॉट्स जिनके साइज़ शुरू होते हैं 240 फोर्टी स्क्वेयर यार्ड से थाउजेंड स्क्वेयर यार्ड तक इसके अलावा दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद इंडिपेंडेंट विलाज विलाज का जो साइज रहेगा दैट इज़ अराउंड फाइव हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड एंड प्राइजेज स्टार्ट फ्राम थ्री करोड़ सो गोवा की ये पहली गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप होने वाली है जिसमें फोर्टी में गोल्फ कोर्स लेके आ रहा है नाइन होल गोल्फ कोर्स ये रहने वाला है इसके अंदर आपको सारी स्टेट ऑफ द आर्टिटीज मिलती हैं, मॉडर्न क्लब हाउस के साथ आपको ट्वेंटी फोर सेवन सी सी टी वी पावर बैकअप ऑल स्पोर्ट्स अम्यूनिटीज़ जितने भी आपको सोसाइटी गुड़गांव के एक लग्जरी प्रोजेक्ट में मिलती है जहाँ पर आपको चार करोड़ पाँच करोड़ से टिकट साइज स्टार्ट होता है उस तरह की अम्यूनिटीज़ आपको एक प्रोजेक्ट में गोवा में बना के दे रहे हैं और दिस इज़ नॉट अ न्यू डेवलपर सो आपने अगर नाम सुना हो सोना में सेक्टर फोर में एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम सोना ग्रीन्स वो प्रोजेक्ट इन ही डेवलपर ने बनाया है सोना ग्रीन्स को लॉन्च किया था सक्सेसफुली सोल्ड आउट किया बहुत अच्छा अप्रिसशन लोगों ने इस पर कमाया नाउ दे आर कमिंग अप इन गोवा और गोवा में जो मैं आपको बताया गोल्फ कोर्स गोल्फ कोर्स का जो डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इन्होंने वन ऑफ द रिनोन्ड डिज़ाइन फर्म बाय द नेम इंटरनेशनल डिज़ाइन ग्रुप को दिया है इसके अलावा इनके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जो रहेंगे प्रोजेक्ट में दैट टू वुड बी अ फाइव स्टार होटल चेन नाम अभी डिस्कलोज होना बाकी है यू कैन कनेक्ट विद मी वन ऑन वन आई टेल यू विच ऑल ब्रांड्स द So, कहीं कही यह सुन के ना चीजें टू फोर्टी बिल्डर सारी चीजें बना के दे रहा है आपको रोड मिलेंगी इंटरनल रूट मिलती हैं एस टी पी मिलता है आपको इसके अलावा स्ट्रीट लाइट का पूरा काम होगा क्लब हाउस होगा ऑपरेशनल सारी चीजें होंगी वेलनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है सिंस ये जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे लोग इस इन्वेस्टमेंट को एज अ सेकेंड होम या फिर रेंटल इनकम के लिए भी बाय करते हैं सो so, यहाँ पे आपको सीनियर सिटीज़न लिविंग का या फिर सेकेंड होम आपको बनाना है या रिटायरमेंट होम आपको बनाना है तो वो सारा वेलनेस एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है सो दिस वुड बी वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट यहाँ पे आ, हमने सुना है गोवा में कि फिफ्टी करोड़ के बजट में डी एल एफ इज़ कमिंग अप विद विलास सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आज से पाँच साल बाद या सात साल बाद या दस साल बाद जब हम गोवा uh, की मार्केट को समझेंगे या गोवा में प्रॉपर्टी लेने का प्लान करेंगे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे इतने ज़्यादा डेवलपर्स वहाँ पे आने वाले हैं और आ भी चुके हैं इनफैक्ट तो बहुत सारे डेवलपर्स ऑलरेडी वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटेटिव है कंसिडरिंग कि यहाँ पर आपको गोल्फ कोर्स मिलता है देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल टाउनशिप इन गोवा विच हैज़ गोल्फ़ कोर्स टिल डेट इसके अलावा आपको जो फेस टू में प्लॉट्स मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 हंड्रेड प्लाट्स दे आर लॉन्चिंग टू में से मैंने जैसे आपको साइज़ बताया टू से थाउजेंड स्क्वायर यार्ड का साइज रहेगा इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोजेक्ट की वो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छा मिलने वाला है अभी दे आर ऑफरिंग थर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड उस पर भी आपको फाइव थाउजेंड रुपीज़ का इनगरल डिस्काउंट मिलता है तो आपका नेट प्राइस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड प्लस अदर चार्जेस जो आपका पीएलसी और पोजेसन uh, चार्जेस रहेंगे वो एडिशनल रहेंगे बैंक लोन अवेलेबल है लोकेशन बहुत प्रीमियम है लोकेशन मैंने आपको बताया कि मोपा एयरपोर्ट से जस्ट 25 से 30 मिनट्स की ड्राइव है अब मोपा एयरपोर्ट की बहुत बड़ी यू नो सिग्निफिकेंस है गोवा में बिकॉज जो पहले डेबुलिम एयरपोर्ट था डेबलिम एयरपोर्ट वॉज यू नो गवर्न बाय डिफेंस फोर्सेस इंडियन सेंट्रल डिफेंस फोर्सेस तो वहाँ पर uh, कुछ रिस्ट्रिक्शन थे पैसेंजर्स को लेके बट कंसिडरिंग कि जो uh, इन्फ़्लो है टूरिस्ट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गोवा में एवरी ईयर देर अराउंड सिक्सटी लाख टूरिस्ट हु आर विजिटिंग गोवा एंड नॉट इवन डोमेस्टिक इंटरनेशनली भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं गोवा में एंड बहुत लंबा टाइम रुक के जाते हैं सो so, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे गोवा में उनका रेंटल जो है जो कमर्शियल uh, रेंटल हम जैसे गुड़गांव में बात करते हैं दिल्ली में बात करते हैं तो फाइव परसेंट सिक्स परसेंट का रेंटल ही लाता है बट गोवा में प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रेंटल इज़ वेरी हाई इट्स क्लोज टू नाइन टू टेन परसेंट और एटलीस्ट एट परसेंट इन एनी प्रॉपर्टी सो यहाँ पर आपको एटीन मंथ्स का ईजी पेमेंट प्लान मिलता है बैंक लोन की फैसिलिटी मिलती है थर्टी मिनट्स फ्राम पंजिम सिटी थर्टी मिनट्स फ्राम आरम्बोल बीच 30 मिनट्स फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट लोकेशन बहुत प्रीमियम है एन एच पे आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है पोटेंशियल आर मैंने आपको बताया प्लस प्लस 8 परसेंट नाइन परसेंट टेन परसेंट के ऊपर ही आपको मिलेगा इसमें आर और बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने आपको मोटा मोटा प्राइस का आइडिया दे दिया लोकेशन का आइडिया दे दिया ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में यू कैन अस ऑन द नंबर गिवन बिलो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जितनी भी डिटेल हो सकती है मैं आपको सारी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा इसके अलावा वी कैन ऑल्सो कंडक्ट अ वी सी विद द टीम ऑफ यूजन इंफ्रा एंड पोस्ट दैट यू नो इफ़ यू यू नो विश टू गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि बाकी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गोवा में इस टाइम पे लॉन्च हुए हैं या फिर पहले लॉन्च हुए हैं उसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं एंड आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए सो so, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के बारे में अबाउट गोवा मार्केट गोवा में क्या नंबर्स हैं ट्यस् का क्या नंबर है आगे ट्वेंटी uh, थर्टी तक क्या एक्सपेक्टेशन है कितना वहाँ पे कमर्शलाइजेशन आने वाला है बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सच अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपको सेवेंटी 80 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट मिलती है एंड वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि आप जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि यू आर इन्वेस्टिंग इन गुड़गांव 18 इयर्स बैक सो आप 18 साल पहले अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्ट करना मिस कर गए तो आज प्लीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करना मत मिस करिएगा क्योंकि आपसे 10 साल के बाद अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दस साल बाद आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली रिग्रेट की यार हम गोवा में इन्वेस्ट कर लेते इवन आई एम मेकिंग माई ओन इन्वेस्टमेंट्स इन गोवा कंसिडरिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत लोग लग रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ सो so, दो साल तीन साल चार साल में स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी गोवा की भी एंड जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी भी सो so, बहुत ज़्यादा इन्फॉमेशन मैं वीडियो में नहीं दे सकता सो so, ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए अबाउट गोवा एंड एवरीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिविन बिलो आज के लिए वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू